सस्टिकल फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉस किचन। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक आम के मुरब्बे की रेसिपी के साथ। तो देखिए, उसके लिए क्या चाहिए। ये मैंने एक किलो रॉ मैंगो यानी कि अम्बी ली है और उसको मैंने धो के छील के इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। और एक किलो चीनी और इसके अंदर मैंने मोटी इलायची और छोटी इलायची के दाने लिए हैं। मतलब पाउडर भी डालूंगी, बट ये सीड्स का फ्लेवर जब मुंह में आता है तो उसका अलग ही स्वाद है। और ये थोड़े से मैंने ग्रेटेड आमंड रखे हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपको इलायची स्किप करनी है, आप इलायची स्किप कर सकते हैं। आपने आमंड स्किप करके अगर मगज डालने हैं, मिक्स सीड्स यानी कि वो डालने, तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पैन ऑन करते हैं, ठीक है। ये ऑन हो गया तो अब इसमें मैं ये अम्बी डाल दूंगी इस तरह से। 2 मिनट इसको इस तरह से चलाएंगे थोड़ी सी, ताकि ये थोड़ी गर्म हो जाए। और फिर साथ के साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। ये बहुत सिंपल मेथड है, काफी थोड़े से टफ मेथड भी होते हैं, बट मैं ज्यादा करके सिंपल मेथड ही यूज करती हूँ हर चीज बनाने में। तो आई होप आप ये ट्राई करेंगे और आपको पसंद आएगा। तो बस अब इसमें मैं ये चीनी डाल दूंगी। ये 1 किलो चीनी थी। अब हम चीनी को, जब तक की चीनी मिक्स नहीं हो जाती, मिक्स इन द सेंस जब तक की डिजोल्व नहीं हो जाती चीनी, तब तक हम इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाती पूरी चीनी। हमको इस तरह इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, बस इसको इसी तरह से हमको हिलाते रहना है जब तक चीनी पूरी डिजोल्व नहीं हो जाती। तो ये देखिए, चीनी जो है डिजोल्व हो गई है अच्छे से इसमें, बिल्कुल ही बिल्कुल डिजोल्व हो गई है। बस अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं लिड दे दूंगी और इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से इसको मैं 10 से 12 मिनट तक पकने दूंगी। बीच बीच में एक आध बारी आप स्टर कीजिए इसको, बट इसको लिड देके ही हमको 10 से 12 मिनट तक पकाना है। फिर 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए, चीनी और अम्बी दोनों, अब अम्बी जो है इसके अंदर थोड़ा पक भी गई है और चीनी भी काफी इसके चाशनी में, सब कुछ अम्बी के अंदर उसका रस भी आ गया है। अब इसको हम इसी तरह से, अब लिड हटा के और फुल फ्लेम के ऊपर हम इसको इसी तरह से 7-8 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। पहले 10 मिनट हमने लिड दे के पकाया, अब अप्रोक्स 5-7 मिनट जो है, जब तक कि इसकी जो चाशनी है वो गाढ़ी नहीं हो जाती, जो चीनी है जो हमने डाली है गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। बट अभी इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये जो मोटी इलायची और छोटी इलायची के मैंने दाने अलग कर दिए थे, मैं वो डाल दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे डालेंगे तो फ्लेवर जो है अच्छा आएगा। और ये दाने अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेवी है, जैसे चीनी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई है अभी, तो उसके वजह से सारी अम्बियों में इसका फ्लेवर आ जाएगा। और इसके साथ के साथ इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा ये छोटी इलायची का पाउडर भी डाल दूंगी। पहले दाने डाले थे मैंने, अब इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है। और अभी से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अम्बी है, चीनी है, इलायची है, तो इन सब का इकट्ठा जो मिक्स होकर के जो अरोमा आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। बस अब इसी तरह से 5-7 मिनट इसको यूं ही चलाते रहेंगे। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है चाशनी जो है पूरी सूखती जा रही है। जब थोड़ी सी और सूख जाएगी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये अपने आप और थिक हो जाएगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है जैसे अभी आप देख रहे हैं इस तरह से है, बट जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और ज्यादा थिक हो जाएगा। तो हमको उसी हिसाब से रखनी है इसकी कंसिस्टेंसी कि बिल्कुल भी ड्राई ना हो, हल्का सा जूसी रहे ये। तो ये देखिए, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ठंडा करके फिर हम किसी ग्लास कंटेनर में, अगर कोई बॉटल नहीं है कांच की आपके पास तो आप इसको किसी कांच के बाउल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये काफी थिक हो चुका है, और इसको हम जब बाउल में ठंडा हो जाए आपका ये, तो फिर आप इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए, और फिर जब ठंडा ठंडा आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे जो मुरब्बा जो है
वो फ्रिज में रखा हुआ ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये हो गया है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर मैं ये बादाम डाल दूंगी। ये देखिए बादाम डाल दिए और पांच छह जो है इसके अंदर मैं ये सैफ्रॉन यानी कि केसर डाल दूंगी। ये हो गया। बस अब इस टाइम पे मैं गैस को बंद कर दूंगी, बस इनको एक अच्छे से स्टर दे दूं। बट इसको ठंडा करके ही आप किसी बोल में शिफ्ट कीजिएगा। अब ये हो गया है, गैस को हमने बंद कर दिया है। अब क्योंकि चाशनी है, चीनी है ये, तो ये ठंडा होने में टाइम तो लेगी ही। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको इस तरह की किसी ग्लास के जार में शिफ्ट कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। और अगर इस तरह का नहीं है तो किसी कांच के बोल में, बस उसके ऊपर ढक्कन हो तो आप उसको ढक्कन देकर के फ्रिज में रख दीजिए और जब मन करे ठंडा ठंडा खाइए और खिलाइए और मजा कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सिंपल है, फास्ट कुक एंड गुड टू ईट वाली रेसिपी है। नहीं तो मुरब्बे का प्रोसेस काफी लंबा होता है, बल्कि इजी ही मेथड है। बाकी आपका अपना टेस्ट है। अगर आपको अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। बाय।